इरफान अंसारी, राजेश कच्छप के बाद अब कोले बिरा विधायक नमन विक्सल कोंगारी भी बुधवार को ईडी ऑफिस पहुंचे। इससे पहले उन्हें 17 जनवरी को ईडी ऑफिस आने को कहा गया था, लेकिन स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए वह ईडी ऑफिस नहीं पहुंचे थे और उन्होंने समय की मांग की थी। आपको बता दें कि इससे पहले इरफान अंसारी और राजेश कच्छप से भी क्रमशः सोमवार और मंगलवार को ईडी ने पूछताछ की थी। इस दौरान जब उनसे ईडी ने 49 लाख रुपयों का स्रोत पूछा तो दोनों ने ही ईडी को अलग अलग जवाब दिए हैं। ऐसे में अब ईडी को नमन विक्सल कोंगारी के जवाब का इंतज़ार है, जिसके बाद ही वह आगे की कार्रवाई तय कर पाएगी। वहीं ईडी दफ्तर पहुंचे विधायक से जब पत्रकारों ने पूछा कि वह किन तैयारियों के साथ आए हैं, तो विधायक ने कहा कि जो दस्तावेज मांगा गया था सभी दस्तावेजों के साथ आए हैं। तो बुलाया गया है, क्या कुछ तैयारियों के साथ आप पहुंचे हैं? इधर मुझसे जो दस्तावेज मांगा गया था उन दस्तावेजों को मैं लेके आ रहा हूँ, और इस केस से संबंधित जो भी सवाल ईडी मुझे पूछेगी, जो जानकारी में होगा उन्हें मैं सच बताऊंगा। क्या कुछ दस्तावेज हैं सर? बैंक का डिटेल्स मांगा गया है और क्या पूछेगी तो जब मैं अंदर जाऊंगा तभी पता चलेगा, और उसके बाद मैं आप सब हमको निकलने के बाद जानकारी दे दूंगा। प्रभातखबर.com, विश्वास वही रफ्तार नहीं।